चलिए जी आगे प्रोसीड करते हैं. बिफोर स्विचिंग टू द न्यू टॉपिक लेट अस डिस्कस सम की पॉइंट्स. देखिए अभी पिछले वीडियो में आपने लॉ ऑफ मास एक्शन स्टडी किया जिसमें आपने रेट लॉ लिखना सीखा कि रेट लॉ को हम किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है, उस डिफाइन में आपने एक टर्म पढ़ी थी एक्टिव मास. एक्टिव मास क्या होगा? दो फेसेस के लिए होगा. एक्टिव मास हम कंसीडर करते हैं सॉल्यूशन फेज एज वेल एज गैशियस फेज. हमारी रिएक्शन दो फेज में हो रही है, सॉल्यूशन फेज मतलब एक्वस फेज में या गैशियस फेज में. अगर हमारी रिएक्शन सॉल्यूशन फेज या एक्वस फेज में है तो हमारे लिए एक्टिव मास का मतलब है कंसेंट्रेशन, मोलर कंसेंट्रेशन. ठीक है जी, लेकिन अगर हमारी रिएक्शन गैशियस फेज में हो रही है तो इंस्टेड ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन हम क्या कंसीडर करते हैं? पार्शियल प्रेशर. गैसेस के केस में हम किसकी बात करते हैं? प्रेशर. बट ऐसा नहीं है कि हम कंसेंट्रेशन, वहां पे मोलारिटी और पार्शियल प्रेशर दोनों वर्क करेगा, लेकिन जो आपका एक्वस फेज है, सॉल्यूशन फेज है, वहां पे आपका क्या होगा? सिर्फ कंसेंट्रेशन वर्क करेगी. फर्स्ट की पॉइंट. सेकेंड की पॉइंट, जब भी हम किसी रिएक्शन के लिए रेट लॉ मेंशन करते हैं, जब भी हम किसी रिएक्शन के लिए रेट लॉ मेंशन करते हैं, उस रेट लॉ में आप इंटरमीडिएट को मेंशन नहीं करते. रीजन, इंटरमीडिएट यूज टू हैव अ वेरी शॉर्ट लाइफ. वो रिएक्शन में आता है, एक चीज दूसरे के साथ रिएक्ट करती है, इंटरमीडिएट स्टेज में आता है. जैसे कि देखो, ए प्लस बी गिव सी. ठीक है, एक स्टेप ये हो गया, सी प्लस डी गिव्स ई. पहले स्टेप में आपका इंटरमीडिएट बना, फॉर्म हुआ. अगले स्टेप में वो चीज क्या होगी? कंज्यूम. जो चीज यहां पे फॉर्म हुई थी वो अगले स्टेप में क्या होगी? कंज्यूम. तो दैट मींस इंटरमीडिएट खत्म हो गया. तो आपकी रिएक्शन क्या है? दिस इज योर रिएक्शन. तो दैट मींस इंटरमीडिएट क्या है? विच इज यूजुअली कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन. वो खत्म हो जाते, यूज टू हैव द शॉर्ट लाइफ. तो रेट लॉ के अंदर आप कभी भी इंटरमीडिएट को मेंशन नहीं करते. नेक्स्ट की पॉइंट, जब भी आप रेट लॉ लिखते हैं किसी ऐसी रिएक्शन में जहां पे कोई चीज एक्सेस में प्रेजेंट है, एक्सेस में मतलब ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है. व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेस? कोई चीज ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है. फॉर एग्जांपल, 10th क्लास में आपने एस्टेरिफिकेशन, प्लस वन में भी करी है, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन करी है, डी एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन करी है. कोई भी एस्टर है, मान लो आपके पास एस्टर की जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो, इट गिव्स यू एसिड एंड एल्कोहल. जब आप एस्टर की हाइड्रोलिसिस करते हो तो आप क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है? एसिड और एल्कोहल. हाइड्रोलिसिस करने का मतलब क्या? आपने ज्यादा अमाउंट में क्या ऐड कर दिया? वाटर. मतलब वाटर आपका एक्सेस में है. तो जब भी कोई चीज एक्सेस में भी होती है, उस चीज को भी हम रेट लॉ में कंसिडर नहीं करते. ऐसा क्यों? हम एक एग्जाम्पल देखते हैं. समुंदर में इतना सारा पानी, अगर समुंदर में से एक ग्लास पानी निकाल लूं तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा समुंदर को? वो फिर भी वैसे का वैसे ही है, कॉन्स्टेंट. ठीक है जी, तो दैट मीन्स अगर हमारी कोई चीज क्या है? एक्सेस में प्रेजेंट है, वो भी हम रेट लॉ इक्वेशन में नहीं लिखते. और रेट लॉ इक्वेशन लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग सिर्फ किसकी टर्म्स में लिखा जाता है? रिएक्टेंट की टर्म्स में लिखा जाता है. तो अगर ये हमारी रिएक्शन है और इस रिएक्शन के लिए हमें रेट लॉ लिखना हो, तो हमारा रेट लॉ क्या बनेगा? लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ अ रिएक्टेंट रेज्ड टू द पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट. कोएफिशिएंट कोई है नहीं, वन है तो वन ही रहेगा. और अभी बोला कि एक लिमिटेशन ही आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी चीज, अगर रिएक्टेंट में कोई एक ऐसी चीज है जो चीज एक्सेस में प्रेजेंट है, वो रेट लॉ में इंक्लूड नहीं करते हम. अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा, रेट इज इक्वल्स टू के एस्टर, दिस इज द रेट लॉ. ठीक है जी, पहला क्या था? लॉ ऑफ मास एक्शन में हमने पढ़ी थी एक टर्म, दैट वाज एक्टिव मास. एक्टिव मास हमारे दो फेजेस में कंसीडर होते हैं, सॉल्यूशन फेज एंड गैशियस फेज. सॉल्यूशन फेज मतलब एक्वस फेज में. एक्वस फेज में हमारा जो एक्टिव मास है, दैट इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन. लेकिन वही हमारा अगर रिएक्शन गैशियस फेज में हो रही है, इन दैट केस एक्टिव मास इज इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर.
इसके अलावा वहां पे आपका कंसेंट्रेशन की फॉर्म में एक्टिव मास कंसीडर हो सकता है, इट वुड डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन. सेकेंड की पॉइंट हमारे पास क्या था कि अगर किसी भी रिएक्शन के लिए हम रेट लॉ लिखते हैं तो उस रेट लॉ में हम इंटरमीडिएट को मेंशन नहीं करते. रीजन, एक स्टेप में हमारे पास इंटरमीडिएट जो बनता है नेक्स्ट स्टेप में वो ऑटोमेटिकली कंज्यूम हो जाता है. जब है ही नहीं तो क्या करेंगे लिख के, कहाँ से लिखेंगे जब है ही नहीं वो. ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड की पॉइंट क्या है. थर्ड की पॉइंट ये है कि अगर आपके पास कोई रिएक्टेंट एक्सेस में प्रेजेंट है, जो चीज़ एक्सेस में प्रेजेंट है उसको हम रेट लॉ में कंसीडर नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि वो हमारे रिएक्शन के रेट पे फ़र्क नहीं डालेगा. अभी एग्जांपल दिया, समुंदर में से अगर हम एक ग्लास पानी निकाल लेते हैं तो समुंदर की लहरों पे, उधर जाके पत्थरों पे कितनी तेज़ी से टकराएगी नहीं टकराएगी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो दैट मीन्स कोई चीज़ एक्सेस में, अगर उसमें से हम कुछ क्वान्टिटी कम ज़्यादा कर लेंगे तो हमारी रिएक्शन को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला. सो दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट कि रेट लॉ जब हम मेंशन करते हैं तो जो चीज़ एक्सेस में उसको हम रेट लॉ में मेंशन नहीं करते. तो इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, जो चीज़ एक्सेस में प्रेजेंट नहीं है. क्लियर? नाउ जैसे कि पिछली वीडियो में बोला था, इन दिस वीडियो वी विल डील विद द न्यू टॉपिक ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी. ठीक है जी, मॉलिक्यूलैरिटी को डील करेंगे. बट मॉलिक्यूलैरिटी को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए रिएक्शन कितने टाइप की होती है नंबर ऑफ स्टेप्स के बेसिस पे. नंबर ऑफ स्टेप्स के बेसिस में एक हमारे पास है एलिमेंट्री रिएक्शन, जिसको हम सिंगल स्टेप रिएक्शन भी बोल देते हैं, और एक हमारे पास है मल्टी स्टेप रिएक्शन, या फिर हम जिसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. एलिमेंट्री और सिंगल स्टेप रिएक्शन का क्या मतलब है, ऐसी रिएक्शन जो एक ही स्टेप में ख़त्म हो गई. ठीक है जी, वेरी इजी, ऐसी रिएक्शन जो एक ही स्टेप में ख़त्म हो गई. मल्टी स्टेप या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का क्या मतलब है, ऐसी रिएक्शन जो एक स्टेप में ख़त्म नहीं हुई. दैट मीन्स इट विल एटलीस्ट कंप्लीट इन टू स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, नंबर ऑफ स्टेप्स में जो रिएक्शन कंप्लीट हो दैट वुड बी कंसीडर्ड एज व्हाट, मल्टी स्टेप रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. चलिए नाउ जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज मॉलिक्यूलैरिटी. व्हाट डू यू मीन बाय मॉलिक्यूलैरिटी? मॉलिक्यूलैरिटी मीन्स द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज. हमारा जो हमारे पास जो रिएक्शन है उस रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज हैं, दैट इज नोन एज मॉलिक्यूलैरिटी. देखो जब भी कोई रिएक्शन टेक प्लेस करती है तो हमारा रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में. वेन एवर एनी ऑफ द रिएक्शन टेक प्लेस व्हाट यूज टू हैपन, द रिएक्टेंट गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट होता है, जो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं अगर मॉलिक्यूल्स हैं एटम्स हैं पार्टिकल, वो क्या होंगे, आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं. एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, दैट कोलिशन विल रिजल्ट टू फॉर्म द प्रोडक्ट. ठीक है, और ज़रूरी नहीं है. ठीक है, हम ये चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, अगर मैं 10 चीज़ें समझा रही हूँ इट इज़ नॉट पॉसिबल, ज़रूरी नहीं है, इट्स नॉट कंपल्सरी कि अगर हम 10 बातें डिस्कस कर रहे हैं तो 10 की 10 समझ में आए. हो सकता है किसी को 10 में से 4 समझ में आएंगी, किसी को 10 में से 5 समझ में आएगी, किसी को 8 समझ में आएगी. दैट मीन्स कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्ट्राइक कर रहे हैं. सो दैट मीन्स जितनी इफेक्टिव कोलिजन, आपके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन डिपेंड करती है नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन. इफेक्टिव कोलिजन हम किसको बोलते हैं कि पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करने पे जिन्होंने प्रोडक्ट बना दिया. ठीक है, जिन कोलिजन्स की वजह से, रिएक्टेंट के पार्टिकल्स की कोलिजन की वजह से जो प्रोडक्ट बन गए जिन केसेस में, दैट इज इफेक्टिव कोलिजन. जहां पे प्रोडक्ट नहीं बने, इधर उधर टक्कर खाली पर रिजल्ट कुछ नहीं निकला, सो दैट इज अनइफेक्टिव कोलिजन, उसको हम कंसिडर नहीं करते. रिएक्शन सिर्फ कौन सी कंसिडर होती है, सिर्फ वही रिएक्शन कंसिडर होती है, वही पार्ट कंसिडर होता है जिसमें इफेक्टिव कोलिजन्स होती हैं. ठीक है जी, तो दैट मीन्स मॉलिक्यूलैरिटी इज नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज विद इन अ रिएक्शन विच आर इफेक्टिवली कोलाइडिंग विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ इफेक्टिवली कोलाइड कर रही हैं. अब मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, सबसे बड़ी बात, बहुत मेजर क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा और कॉमन क्वेश्चन है. इस चैप्टर में एक चीज़ ध्यान रखना, डिफाइंस आर इक्वली इंपॉर्टेंट. ठीक है, डिफाइंस इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है, डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो ध्यान से सुनना डिफाइंस जब भी बोलूँ.
मॉलिक्यूलैरिटी के साथ एक चीज बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है जो आपको ध्यान, मॉलिक्यूलैरिटी इज अ थ्रियोटिकल कंसेप्ट. थ्रियोटिकल का मतलब कोई प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस नहीं है. प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस नहीं है का क्या मतलब है, रिएक्शन को देख के पता लग जाएगा उसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी है. दैट मीन्स कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. अगर हमारे पास किसी रिएक्शन में एक ही रिएक्टेंट है तो वो हो गई यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन. ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल है जहां पे हमारे पास, वो क्या हो गई यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन. जहां पे हमारे पास किसी रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल्स हैं, दो रिएक्टेंट्स हैं, बायमॉलिक्यूलर. मॉलिक्यूलरिटी के बारे में पहली चीज क्या बताई, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज विच रिजल्ट्स इन इफेक्टिव कोलिजन. रिएक्टिंग स्पीशीज कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रिएक्टेंट कितने, दैट इज मॉलिक्यूलरिटी. सेकेंड पॉइंट इज कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ रिएक्टेंट के बेसिस पे हमारे पास कौन कौन सी रिएक्शंस है, यूनिमॉलिक्यूलर, बायमॉलिक्यूलर. यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब है जहां पे सिर्फ एक ही रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है. बायमॉलिक्यूलर का मतलब है जहां पे हमारे पास दो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है. ट्राईमॉलिक्यूलर भी होती है. हमेशा एक चीज ध्यान रखना, किसी भी रिएक्शन में, किसी भी रिएक्शन का मतलब किसी भी सिंगल स्टेप रिएक्शन में, किसी भी एलिमेंट्री या सिंगल स्टेप रिएक्शन में तीन से ज्यादा मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. फिजिक्स पढ़ी है आपने, कॉलिजन थ्योरी भी पढ़ी हुई है. कॉलिजन थ्योरी क्या है, कॉलिजन्स के लिए सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस चाहिए होता हमें. जितना ज्यादा सरफेस होगा कॉन्टैक्ट करने के लिए उतनी ज्यादा कॉलिजन होगी. देखो एक मॉलिक्यूल ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है, नाइन्थ में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, इफेक्टिव कोलिजन्स के बारे में. ज्यादा से ज्यादा एक टाइम पे क्या होता है, तीन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अच्छे से कोलाइड करें. जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाएंगे कोलिजन कम, मतलब सरफेस जो कॉन्टैक्ट सरफेस है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा. तो हमारे पास डिफरेंस भी आता है. आगे हम पढ़ेंगे टॉपिक ऑर्डर, मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर में आपके पास डिफरेंस भी आता है. पहला पॉइंट, जो मॉलिक्यूलैरिटी है दैट इज अ थ्रियोटिकल कंसेप्ट. रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन, रिएक्शन को देख के पता लग जाता है रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी कितनी है. दूसरा पॉइंट, जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो कभी जीरो नहीं हो सकती. जो भी मॉलिक्यूलैरिटी है इट कैन नेवर बी जीरो. अगर रिएक्टेंट ही नहीं हुआ तो रिएक्शन कैसे होगी, पहली बात जीरो नहीं हो सकता. दूसरी चीज, थ्री से ज्यादा नहीं हो सकता. अभी बोला तीन से ज्यादा क्यों नहीं हो सकता, कॉन्टैक्ट सर्फेस ज्यादा चाहिए. जितने ज्यादा पॉलिक्यूल्स बढ़ते रहेंगे कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट कम होता रहेगा. ठीक है जी, क्या बोला, थ्रियोटिकल कंसेप्ट है. दूसरी बात, जीरो नहीं हो सकती. अगली बात, ठीक है जी, जीरो नहीं हो सकती, तीन से ज्यादा मॉलिक्यूल्स नहीं हो सकते. उससे अगली बात, फ्रैक्शनल नहीं हो सकती. फ्रैक्शन में पार्टिकल्स कभी कोलाइड नहीं करते, एक पूरा मॉलिक्यूल कोलाइड करेगा. ठीक है जी, और नेगेटिव नहीं हो सकती. जीरो नहीं हो सकती, थ्री से ज्यादा नहीं हो सकती, फ्रैक्शनल नहीं हो सकती. ठीक है जी, ये बेसिक सी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में. अब देखो एक रिएक्शन देखते हैं, ए प्लस बी गिव सी. बड़े सिंपल क्वेश्चंस आते हैं कई बार. आपको ये रिएक्शन दे दी और आपको बोल दिया इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी बताओ. हाँ जी, क्या है मॉलिक्यूलैरिटी, जितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी है. एंड अगर वो आपको क्वेश्चन में नहीं बता रहा, अगर वो मल्टी स्टेप रिएक्शन होगी तो वो आपको क्वेश्चन में बताएगा ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है. अगर वो आपको क्वेश्चन में आज सच कुछ मेंशन नहीं कर रहा, दैट मीन्स आपकी रिएक्शन क्या है, एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है. ठीक है, अगर ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो आपके पास कितने रिएक्टेंट्स हैं, दो, तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगी, टू. तो मॉलिक्यूलैरिटी टू होने का मतलब क्या है, इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, टू. तो दैट मींस ये कैसी रिएक्शन है, बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन. दैट मींस ये कैसी रिएक्शन है हमारी, एक बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन है. क्लियर, अगर एक ही रिएक्टेंट होता दैट मींस इफ ए गिव सी, यहां पे हमारे पास एक ही रिएक्टेंट है वन, सो इट वुड बी यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन.
इज इट क्लियर? चले जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हेडिंग इज ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन. कहीं ना कहीं एक ऐसा टॉपिक है जिसपे हमारा चैप्टर इज समहाउ बेस्ड. ठीक है, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर के बीच में? मॉलिक्यूलैरिटी इज अ थियोरेटिकल कंसेप्ट, ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट. ये एक थियोरेटिकल कंसेप्ट नहीं है, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट. ठीक है जी, जरूरी नहीं है. कई हम बोलते ना जो चीज जैसी दिख रही है वैसी है नहीं. हमेशा ध्यान रखना, अगर एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर भी रिएक्शन को जस्ट देख के पता लगाया जा सकता है, जैसे मॉलिक्यूलैरिटी. लेकिन अगर हमारी रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है तो हम रिएक्शन को देख के उसकी मॉलिक्यूलैरिटी का पता नहीं लगा सकते. कुछ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स को हमें फॉलो करना पड़ता है, कुछ मेथड्स हैं उनको स्टडी करना पड़ता है जिसके बेसिस पे हम ऑर्डर को डिटर्मिन करते हैं. वो चीज़ हम आगे करेंगे. सबसे पहले बात करते हैं डिफाइन की. डिफाइन क्या है ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन की? इट इज सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट इन अ रेट लॉ एक्सप्रेशन. ठीक है जी, इट इज सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट इन अ रेट लॉ एक्सप्रेशन. ठीक है जी, अगर हमारे पास वन मार्क के हाफ मार्क्स के जो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं उसमें, वहां पे हमेशा ध्यान रखना आपको रेट लॉ में ऑर्डर हमेशा गिवन होगा. ठीक है जी, देखो एग्जांपल लेते हैं. ए प्लस बी गिव सी. ठीक है, फिलहाल के लिए इस केस में, इस एग्जांपल में मैंने आपको रेट लॉ दे रही हूं ऑलरेडी इस रिएक्शन का. पावर में कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है? वन. अब आप बोलोगे मैम वही तो हुआ, लॉ ऑफ मास एक्शन ही तो है, जो भी कोफिशिएंट है वही तो आया पावर में. बिल्कुल, क्योंकि हमने ये रिएक्शन कैसे कंसीडर किए, एक एलिमेंट्री रिएक्शन कंसीडर की है. तो एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब ही यही है कि जो कोफिशिएंट है वो पावर में है. अब आपको क्या मिल सकता है क्वेश्चन? आपको क्वेश्चन दे दिया, ये इक्वेशन दे दी, आपको रेट लॉ दे दिया, आपके पास क्वेश्चन आ गया हाफ मार्क्स में या वन मार्क्स में. What is the order of a reaction? Very simple question and very common questions. A sort of question used to come very thoroughly. Define क्या कहती है? Sum of power of concentration of a reactant. Rate law expression में जो reactants की that means हमारी concentration है उनकी जो power है उसका sum. कुछ नहीं है power है मतलब one, one, one plus one. That means order of a reaction is ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन क्या है? टू. डिफाइन क्या है? इट इज सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट इन अ रेट लॉ एक्सप्रेशन. कोई भी इक्वेशन आपको दी हुई है, फिलहाल के लिए हमने ये ऐसे एग्जांपल कंसीडर किया, आप ये मान के चलोगे कि आपको रेट लॉ क्वेश्चन में गिवन होगा. अगर क्वेश्चन में रेट लॉ गिवन है तो क्या करना है? जो भी पावर है उनको ऐड ही तो करना है हमने. ठीक है जी, ये हो गया एक एग्जाम्पल. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. अब बोलोगे मैम यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है. मैंने क्या कहा था? जरूरी नहीं है हर रिएक्शन एलिमेंट्री है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि जो कोफिशिएंट है वही पावर में होंगे. आपका क्वेश्चन ये है कि आपको एक रिएक्शन गिवन है और ये आपको रेट लॉ गिवन है ना. योर क्वेश्चन इज जस्ट सिंपली दैट यू हैव टू कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन. सिंपली आपको क्या कैलकुलेट करना है? ऑर्डर. क्या है ऑर्डर? टू प्लस वन.
बस 70 के 70 नंबर का पेपर ऐसे ही आना चाहिए, प्लस करते रहो, आंसर निकालते रहो, है ना, वेरी इजी। चलो जी, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ठीक है। जो भी कोफिशियंट है उनको अगर हम ऐड कर देते हैं, दैट इज द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। अब थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करते हैं मॉलिक्युलैरिटी और ऑर्डर में। मॉलिक्युलैरिटी क्या थी? जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट जो आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में और इफेक्टिवली क्लाइड करके आपका प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं? मॉलिक्युलैरिटी। ऑर्डर क्या है? रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर आपके जो पावर्स हैं उसका जो सम है उसको हम क्या बोलते हैं? रेट लॉ। मॉलिक्युलैरिटी थ्योरेटिकल कंसेप्ट, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट, ठीक है जी। दूसरा, मॉलिक्युलैरिटी आपकी जीरो नहीं हो सकती, मॉलिक्युलैरिटी आपकी 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती, मॉलिक्युलैरिटी आपकी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, मॉलिक्युलैरिटी आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती। लेकिन ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन में याद रखना, ऑर्डर आपका जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। देखो, अगर मान लो यही क्वेश्चन मैं चेंज करके दे देती हूँ आपको, यहाँ कह दिया ये -1 और ये 0, अब ऑर्डर क्या बनेगा आपका? -1 + 0, तो आंसर आ गया -1। दैट मीन्स हमारा जो ऑर्डर है वो नेगेटिव भी हो सकता है। अगला एग्जांपल इसी क्वेश्चन में, मान लो ये 3/2, ये हो गया 1/2, 3/2 + 1/2, लो जी 4/2 आपका, दैट इज 2, ठीक है। फ्रैक्शनल, नेगेटिव, पॉजिटिव कुछ भी वैल्यू हो सकती है ऑर्डर की, लेकिन मॉलिक्युलैरिटी की नहीं। इज इट क्लियर? रेस्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। कीप स्टडिंग ऑल दीज़।